वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी महाराजा रणजीत सिंह जी दे अकाल चलाने वाले बारे सुनांगे। हुण शेरे पंजाब दा सधारण रोग दिनों दिन वधदा गया। शाही हकीम फकीर अजीजुद्दीन आदि नामी वैद रोग नूं कट्टण दे दिन रात यतन विच रहिंदे, पर जद आयु पूरी हो जाती है तो कोई दवाई काट नहीं कर सकती। ठीक यही हाल महाराजा साहब दा होया। महाराजा साहब ने जब अपने इस रोग नूं वधदा देखिया तो 8 जेठ संमत 1896 बिक्रमी मुताबक सन 1836 ईस्वी नूं लाहौर विच इक भारी दरबार दा हुक्म दिता, जिस विच सारे सरदारां अते जागीरदारां नूं बुलाया गया सी। नियत दिन जब सारे दरबारी आपो अपनी थां पर सज गए, तद शेरे पंजाब एक सुनहरी पालकी विच तकीए पर ढोल आए हुए दरबार विच आए। अगों सारे दरबारियां ने उठ के फतेह बुलाई, नाल ही किले तो 101 तोपां दी गर्ज ने सलामी दित्ती। महाराजा साहब दा शरीर इस समय इन्ना निर्बल हो गया सी कि आपनू शाही वैद ने कुर्सी ते बैठण दी आग्या ना दित्ती, ते उसे तरह आप दी पालकी अडोल उस संग मरमर दी बरांदरी दे चबूतरे पर रखी गई जो हजूरी बाग विच बनी हुई है। इस समय खालसे दा तेज दा सूरज दुपहर वत अपने पूरे शिखर पर सी। हर पासे तो दबदबा ते शाही आन शान वध रही सी। निगाह चक के वेख्या खुशी ते ऐश्वर ही नज़र आमदा सी। किसे वेले जद बिरद शेर दी पालकी वल नज़र पै जांदी तद थोड़ी देर लई मन उदास जहे हो जांदे सन, ते करतार दी विचित्र कुदरत दा नज़ारा अखां मूहरे आ खलौंदा सी कि इह उही बहादुर योद्धा है जो वग दियां तलवारां ते वर दियां गोलियां विच अपने घोड़े नूं उड़ांदा होया बिजली वांग वैरी दे सिर जा पैंदा सी अते थकेवें दे भै तो मूलों उक्का अनजाणू सी। अज कुर्सी पर अपने आप नूं थम्मण तो भी असमर्थ है। ये सारे ख्याल सूरज अगे बदल आ जाण दी तरह जरा दी जरा लई उदासी दा झलका दे जांदे सन, पर यह सोच के महाराजे दे पुत्तर ते पोतरे सारे चतर सियाणे हन मना नूं तरवास हो जांदा सी। महाराजा दी पालकी चबूतरे ते रखण दे पिछों कुछ देर लई सारे दरबार विच चुप चाप वरत गई। छेकड बिरद शेर ने अपना मूँह इउं खोलिया ते धीमी जिही आवाज विच कहण लगा, बहादुर खालसा जी, आपने खालसा राज दी उसारी लई जो अथक घालां घालियां ते अपने लहू दी धज्जियां वगाईयां हन उस असफल नहीं गईयां। इस समय अपने आले दुआले जो कुछ देख रहे हो ये सब कुछ आप जी दी कुरबानी ते घालां दा फल है। मैं गुरु ते आप दे भरोसे एक सधारण पिंड तो उठ के लगभग सारे पंजाब ते इस तो बाहर अफगानिस्तान कश्मीर तिब्बत सिंध दियां कंधां तक खालसे दा राज स्थापित कर दिता है। संसार पर सवासां दा कोई भरोसा नहीं, पर जे कदे मेरा अंत नेड़े ही है तो पक समझो कि आप सारियां तो अत खुशी विदा होवांगा। मैं इस वेले आप सब नूं महाराजा खड़ग सिंह दे हाथ सौंपदा हाँ। इस नूं आप ने मेरे तुल समझना अते ए सब तरह आप दी भलियाई दा चाहवान रहेगा। इस समय सारे दरबार दे चेहरे महाराजा दे प्यार विच लालो लाल हो रहे सन। कईयां दियां अखियां तो हंझुआं दी जलधारा चल रही सी। जल्दी ही महाराजा साहब ने साहजादा खड़ग सिंह दा हाथ लैके राजा ध्यान सिंह दे हाथ विच फड़ा दिता अते ध्यान सिंह वल तक के कहा कि आपने खालसा राज वल्लों बहुत उच्चा मरतबा पाया है, हुण इस दी सच्चे मन नाल सेवा करके होर वधाणा। इस तो पिछों सारे दरबारियां ने महाराजा खड़ग सिंह अगे नजराने हाजिर किते जिन्हां नूं उह हाथ ला ला के मोड़दा जांदा सी, पर सब नूं महाराजा साहब वल्लों अपने अपने रुतबे अनुसार सरोपा दिता गया। शेरे पंजाब दे जीवन इतिहास विच ए अखीला दरबार गिणिया जांदा है। इस दे बाद महाराजे दा रोग दिनों दिन वधदा गया। इस समय बड़ा भारी दान किया गया। सारे गुरद्वारे मंदरां मसीतां अते अनेक लोड़वंदां नूं लखां रुपए वंडे गए। 15 हाड़ वीरवार संमत 1896 बिक्रमी 6 घड़ी दिन रहे मुताबिक 27 जून 1839 नूं 59 साल की उम्र विच महाराजा रणजीत सिंह दा भौर उडारी ला गया। इस तरह अज खालसा कौम दे सिर तों उस अदुत्ती पुरख दा छतर जिसने खालसा कौम लई राज भाग स्थापित कर दिता सी सदा लई उठ गया। इस समय सारे पंजाब विच कहा जांदा सी कि अज महाराजा रणजीत सिंह पंजाब नूं रंडा कर गया। अगले दिन 28 जून महाराजा साहब दा मृतक संस्कार बड़ी धूमधाम नाल कीता गया। खालसा फौजां तों छुट लखां लोग जिथे तक चलाने दी खबर पहुँच सकी वह अपने प्यारे महाराजा दे अंतम संस्कार लई मिलण लई लाहौर पहुँच गए। महाराजे दी देह अग्नी नूं सौंप दित्ती गई। उधरों उस समय किले तो तोपखाने ने महाराजे दी अंतली सलामी उतारी। इन्ने नूं अग्नी प्रचंड हो गई अते थोड़े समय विच ही उत्थे बिना स्वाद दे ढेर दे होर कुछ नहीं सी। कहिंदे हन कि इस समय राजा ध्यान सिंह महाराजे दे विछोड़े नूं ना सहारदा होया कई वार महाराजा दे बल दे अंगीठे विच छाल मारन लई अग्गे आउंदा रहा सी,
ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋੜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।